संख्या में टैक्स के नियमों में जीएसटी आने के बाद संशोधन किया गया माननीय, जिसके कारण से आम आदमी परेशान है। और टैक्स आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, लोगों के मन में यह धारणा थी कि 10% का टैक्स होगा, 5% राज्य को जाएगा, 5% केंद्र को जाएगा। आपने वन नेशन मल्टीपल टैक्स की व्यवस्था ला दी, किसी पे 2%, किसी पे 5%, किसी पे 18%, किसी पे 28%। और इतने टैक्स लादने के कारण पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दूध महंगा, छाछ महंगा, सरसों का तेल महंगा, आम आदमी की जिंदगी की हर एक चीज, गरीब की थाली महंगी कर दी माननीय। माननीय ऐसी सरकार है कि रोटी पर 5% और पराठा पे 18% टैक्स, ये कैसी टैक्स की प्रणाली है माननीय। और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय पे दिलाना चाहता हूं माननीय। एक हफ्ते तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय जिस तरीके से छापेमारी का आतंक हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर डाला गया, छापेमारी का जो आतंक डाला गया उससे उनको राहत मिलनी चाहिए। छापेमारी तो दूर की बात है माननीय, जीएसटी के अधिकारी नहीं गए छापामारी करने के लिए, पुलिस बल साथ में लेके गए, चेक भरवा के लेके आए। अयोध्या का मामला, एक व्यापारी से 5 लाख का चेक लिया, गोंडा में एक व्यापारी से 3 लाख का चेक लिया। अरे भाई, आप मामले की जांच कीजिए, उसके बाद तब आप टैक्स लीजिए। आपने मामले की जांच भी नहीं की, छोटे मझोले जितने भी व्यापारी हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तंग कर रखा है। मैं तो माननीय यही आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा। The honorable member will give details of the two incidents and honorable member is yet to give details of the information. I have given, sir. No, not given. Check up.